हमारे एजेंट बता रहे हैं इनका मंथली बिल जो है ना बिजली का वो $2 यानी 160-170 रुपये आता है इंडिया के, बताओ इतना कम। और इन्होंने वापस से सील लगा दी, उस दिन सील खोली थी लेकिन फिर लगी हुई है। ऐसा मतलब खून सा खोल रहा है ना, मेरा क्या बताऊं मैं। काले अपनी गड्डी नू ईरान की सड़कों पे, फाइनली बल्ले बल्ले। कोई प्रॉब्लम है भाई यहाँ पे ना, प्रोसेस पता ही नहीं लोगों को। 20 लीटर के ना टोटल हमसे 200 तो मान लिए, यानी कि इंडिया के 320 रुपए, तो 16 रुपए लीटर डीजल मिला हमें इंडियन करेंसी के हिसाब से। बस 8 बजे हमारे एजेंट आ गए हैं होटल में, क्योंकि फाइनली आज हमें जाना है भाई किसी भी हालत में गाड़ी को छुड़वाने, क्योंकि आज है सैटरडे और अगर आज भी गाड़ी नहीं छुट्टी तो कल संडे और मंडे दोनों दिन फिर से छुट्टी है यहाँ पे। पता नहीं कितनी छुट्टियाँ होती है भाई, या फिर हमारी टाइमिंग गलत हुई है ईरान में आके। मतलब जब से आए हैं भाई एक दिन काम होता है, दूसरे दिन फिर छुट्टी हो जाती है, फिर तीसरे दिन छुट्टी हो जाती है, तो यही चल रहा है पिछले काफी दिनों से। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं भाई शिपिंग वालों के ऑफिस में, क्योंकि आपने कल वाले व्लॉग में देखा ही होगा हमें इनवॉइस मिला था शिपिंग कंपनी से, वो हमने पे किया था लगभग 20,000 रुपए के आसपास एंड थोड़ी बहुत सिक्योरिटी डिपॉजिट भी, जो हमें मिल जाएगी वापस। आप चेकआउट कर लेना लास्ट व्लॉग। इनवॉइस क्लियर करने के बाद उन्होंने हमें DO यानी कि डिलीवरी ऑर्डर दिया था, जिसको लेके हम पोर्ट गए थे। पोर्ट में हमने वो DO कस्टम ऑफिसर को दिखाया, कस्टम ऑफिसर ने हमारा कंटेनर मंगवाया, कंटेनर खोला हमने, उसमें गाड़ी निकली और गाड़ी में हमने बैटरी कनेक्ट करी और गाड़ी को बाहर निकाला इंस्पेक्टर ऑफिसर। फिर जो कस्टम ऑफिसर ने इंस्पेक्टर को भेजा था ना, उन्होंने पूरी गाड़ी चेक करी अच्छे से एंड देन फाइनली जाके कस्टम ऑफिसर ने हमारे कारनेट पे स्टैंप मार दिया था एंड क्लियरेंस हमारी गाड़ी को मिल गई थी कि हम ले जा सकते हैं। बट उन्होंने ले जाने नहीं दी, क्योंकि शिपिंग कंपनी को एक रिसिप्ट देनी थी, वेयर हाउस रिसिप्ट या फिर वेयर हाउस का इनवॉइस। उसमें ना एक अमाउंट लिखा होगा जो हमें वहां पे पोर्ट पे पे करना था, तब जाके ना वो हमें ले जाने देंगे हमारी कार। बट शिपिंग कंपनी वालों ने दी नहीं और अभी तक नहीं दी, सुबह के बताओ अब 8:15 हो गए हैं। तो अभी इसलिए हम पहले शिपिंग वालों के ऑफिस में जा रहे हैं ताकि वो फटाफट से हमें रिसिप्ट दे, फिर हम वो पोर्ट में जाके पे करें और अपनी गाड़ी को बाहर निकाल ले। बाकी क्लियरेंस सारी हो चुकी है उसी दिन, तो इतनी दिक्कत नहीं है। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी आज है भैया। 3 जून 2023 मैं हूँ अभी बंदरअबास ईरान में एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एपिसोड नंबर पता नहीं कौन सा, बट स्पॉन्सर्ड बाय वाउ स्किन साइंस। इस ट्रिप में हम निकले हुए भाई दिल्ली टू लंदन बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन से 110 दिनों के लिए, 25 कंट्रीज कवर करते हुए 25,000 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे एंड पहुंच जाएंगे उसके बाद लंदन UK में। तो लेट्स गो भाई, जल्दी जल्दी निपटाते हैं काम सारे। गए भाई ऑफिस में, यहाँ पे इनको इंग्लिश तो आती नहीं है, हमारे एजेंट ही समझाएंगे पर्शियन में, पर बहुत ज़्यादा ना ऐसे इरिटेटिंग सी हो जाती है चीज़ें। मतलब समझते ही नहीं है भाई ये कि टूरिस्ट है, पिछले 11-12 दिन से पड़े हुए हैं बंदरअबास में। मतलब इतने दिन में तो आप सोचो हम पूरा देश कवर कर लेते हैं यहाँ पे, और अभी क्या हो रहा है कि गाड़ी तक नहीं मिलके दे रही है, बताओ यहीं पे पड़े हुए हैं, ना घूमने का कुछ है ना कुछ, होटल में ही बैठे रहो, खाना भी नहीं मिल रहा ढंग का, क्या करे बस। बंदरअबास में ना जनरली जितनी गाड़ियाँ दिखी है वाइट कलर की लोग प्रेफर करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे कलर है नहीं है, देखो ये ब्लैक है, वहाँ पे ग्रे भी है, ब्लू भी है, पर जनरली मेजोरिटी 70-80% वाइट कार ही है सारी। अब इन गाड़ियों के बीच में अपनी ब्लैक कलर की, वो भी मैट ब्लैक वाली स्कॉर्पियो एन चलेगी, कैसा अलग सा ही लगेगा ना। ऊपर से यहाँ पे सारी सीडान है और हमारी प्रॉपर SUV भाई, ओ हो बिग डैडी। वो भी गेट क्लोज है, ऐसे ये बटन लगे हुए हैं इनको दबाना होता है, फिर वो ऊपर से खोल देंगे, कैमरा लगा हुआ है। चलो जी चलो, खुल गया है। सही AC है भाई, हर एक बिल्डिंग में AC है, छोटी छोटी दुकानों में AC है, यहाँ पे बहुत सस्ती है। हमारे एजेंट बता रहे हैं इनका मंथली बिल जो है ना बिजली का वो $2 यानी 160-170 रुपये आता है इंडिया के, बताओ इतना कम। जबकि कितना ज़्यादा AC चलता है यहाँ पे, फिर भी बहुत सस्ती बिजली है, पेट्रोल भी काफ़ी सस्ता है यहाँ पे, दिखाएंगे आपको जब हम अपनी गाड़ी ले लेंगे। ऑफिस और अभी भाई 11 बजने वाले और अभी भी कह रहे हैं 2 घंटे और वेट करो, मतलब 1 बजे तक। ऐसा मतलब खून सा खोल रहा है ना मेरा, क्या बताऊं मैं। वेयर हाउस की रिसिप्ट नहीं देके दे रहे भाई, देंगे तभी तो हम पोर्ट जाके छुड़वाएंगे गाड़ी, समझ ही नहीं आ रहा क्या चाहते हैं। कस्टम ऑफिसर को दिक्कत नहीं है सामान क्या लाया है क्या नहीं, इनको शिपिंग वालों को इतनी दिक्कत हो रही है बताओ। मेन बता कहाँ टक रही है बात, कह रहे हैं कि जो लगेज रखा हुआ है ना बैग वैग सूट केस खाली हमने, या फिर अपनी USB केबल्स वगैरह थोड़ा बहुत सामान वो गद्दे वद्दे, वो क्यों लाए हो गाड़ी में भाई। तुम्हें क्या मतलब है भाई, जब कस्टम ऑफिसर ने चेक कर लिया कल, स्टैंप मार दिया कारनेट पे, सब कुछ हो चुका है, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है, दिमाग खराब कर रही है मेरा। अब 2 घंटे यहीं वेट करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है भाई। तुम्हें बता भी नहीं रहे कि क्यों नहीं बन रही है वेयर हाउस की रिपीट, बस कह रहे वेट करो वेट करो, 2 घंटे वेट करो, 1 घंटा वेट करो, बताओ कोई रीज़न दो ना भाई, सॉलिड रीज़न कि इसलिए नहीं हम दे पा रहे, प्रिंटर खराब है हमारा, हमारा सिस्टम नहीं चल रहा, कुछ तो रीज़न दो। वेट करो वेट करो, वेट ही करते रह गए हम तो, बस 12 दिन से वेट ही कर रहे हैं भाई शिपिंग वालों की वजह से, और क्या कर रहे हैं। नहीं मिली भाई रिसिप्ट 1.5 घंटा वेट करने के बाद भी, अब वो कह रहे हैं कि एक बार वे वहाँ पे जाओ पोर्ट में और वहाँ पे किसी ऑफिसर का नाम बताया कस्टम ऑफिसर का,
उनसे जाके बात करो, वो अप्रूवल देंगे फिर मिलेगी वेयरहाउस रिसीट। अलग ही टंटे है, वे कस्टम वाले कह रहे शिपिंग वालों से लो, शिपिंग वाले कह रहे कस्टम वालों से लो। यहाँ ये गाड़ी नहीं रोकेंगे, देखना भगाते रहते हैं। उड़ा दो मेरे को, उड़ा दो। बदतमीज भाई, मैं भाई बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों, पता तो है क्यों बट कंट्रोल में नहीं है, क्या करूं। एजेंट के साथ जा रहे हैं, यहाँ पे भी एक घंटा बैठे रहे, डेढ़ बज चुका है, अब वापस से शिपिंग ऑफिस जा रहे हैं। तो यही हो रहा है, शिपिंग ऑफिस से पोर्ट, पोर्ट से शिपिंग ऑफिस, फिर शिपिंग ऑफिस से पोर्ट, क्या करे भाई दिमाग का। एक दो चीजें हमसे भी गलत हुई है वहाँ पे, कि कारनेट के टाइम पे ना हमें काफी चीजों को, मतलब जितनी भी चीजें थी वो सब कारनेट के टाइम पे ही उनको डिक्लेयर कर देनी चाहिए थी, तो इतना सीन नहीं होता। बट एक अच्छी चीज ये हुई है कि अगर मैं भाई अपनी गलती से यहाँ पे BMW X7 ले आता ना, और वो गाड़ी थी मेरी कंपनी के नाम पे, हालांकि कंपनी का डायरेक्टर मैं ही हूँ बट स्टिल भाई कंपनी के नाम पे थी, तो ये तो भैया मेरे को ऐसे कर देते कि कौन किसकी गाड़ी चुरा ले, ये तो यहाँ तो नाम ही नहीं लिखा अनमोल जायसवाल का। अच्छा हुआ स्कॉर्पियो अपने नाम पे ली, क्योंकि मैं पहले सोच रहा था कंपनी के नाम पे लेने पे, फिर मैंने एंड में सोचा अब लंदन ले जानी है तो अपने नाम पे लेता हूँ, ज्यादा बढ़िया है। तो गलती से भी भाई किसी और के नाम की गाड़ी मत लाना, कंपनी के नाम की मत लाना, अपने पापा की मत लाना, जिसके भी नाम की गाड़ी है वो आपके साथ यहाँ पे ट्रिप में प्रेजेंट होना चाहिए। और ये खाली मैं ईरान की बात नहीं कर रहा, किसी भी देश में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो गाड़ी, आपके खुद के नाम पे हो, या जैसे अभिषेक मेरे साथ आया तो अभिषेक के नाम पे होती, पर तीसरे बंदे के नाम की गाड़ी मत ले आना, पहले अपने नाम पे रजिस्टर करवाना और फिर ही आना। अब सोचो X7 कितना बुरा फंसती भाई, क्योंकि उसकी वैल्यू एक तो इतनी ज्यादा, लगभग $2 लाख की गाड़ी, $2 लाख नहीं $1.5 लाख की गाड़ी थी। अब इनका $1.5 लाख देखते ही ऐसा मुंह सा हो जाता कि $1.5 लाख और मेरे नाम पे भी नहीं, तो फंसना ही फंसना था। अभी स्कॉर्पियो एन चलो अमाउंट भी थोड़ा छोटा है, हालांकि यहाँ के हिसाब से तो ज्यादा ही है, बट ये है कि मेरे नाम पे है तो वो चीज हमारे हित में है थोड़ी सी। इसे एक डॉक्यूमेंट के लिए हम पिछले 5 दिन से परेशान हो रहे थे, और अब फाइनली जाके शाम के 5 बजे मिला, इतनी देर वेट करने 3 घंटे हो गए बैठे हुए, बट मिल गया फाइनली। उन्होंने $100 और लिया भाई शिपिंग वालों ने कमीशन के, उसमें मतलब 30 है कमीशन है जो भी, कि हमने इतनी मेहनत करवाई है, मतलब वाह हम भटके हैं, इतना परेशान हुए और $100 ये ले रहे हैं। तो अभी डॉक्यूमेंट तो हमें सब कुछ मिल चुके हैं, बट 5 बज गए हैं तो पोर्ट तो खुला नहीं होगा, बट स्टिल हम एक बार पोर्ट जा रहे हैं, क्या पता वहाँ पे हो, तो ये रिसिप्ट वहाँ देकर हम पेमेंट करके शायद गाड़ी ले लें, नहीं लिया तो फिर ट्यूजडे साइन। इतने साइन करवा लिए भाई साहब, जैसे प्रॉपर्टी के हैं नाम ही करवा रहे अपने, और फिंगरप्रिंट भी लिया इन्होंने पता नहीं क्यों। व्हाट इज दिस, चांसेस तो नहीं है वैसे पोर्ट खुला होगा, बट स्टिल हम एक ट्राई मारना चाहते हैं, यहाँ से 15-20 किलोमीटर है। अब सोचो सुबह से हम 3 चक्कर मार चुके हैं भाई, 20-20 किलोमीटर आना जाना, और आपको भी मतलब सोचते होंगे ना आप, या सोचते क्या, कई लोगों को लगता है भाई कितनी ईजी है चीज़ें, बट ईजी नहीं है भाई, एक बार आओ और करके देखो तब पता चलता है इजी है या मुश्किल है। घर पे एसी में बैठ के टाइप कर देने से कुछ नहीं होता, ट्राई करने पे होती है हालत खराब। तो बस अपनी गाड़ी मिले उसी में बैठ के चलानी है भाई, परेशान आ गया है। शाम को गर्मी तो कम हो गई है, चलो सुबह तो बहुत वो थी, और 7:30 के निकले पड़े हैं, पेट में एक दाना नहीं गया सुबह से, खाली पेट, 1-2 टॉफी खाई है बस, बताओ और कुछ भी नहीं। कोई नहीं, गाड़ी आज मिल गई तो ये सारी भागम दौड़ वर्थ इट रहेगी, और नहीं मिली यही कर सकते हैं 2 दिन होटल में पड़े रहो, उसके अगले दिन मिलेगी। जोश में आ गया हमारे एजेंट भाई साहब, अब स्पीड में भगाएंगे, देखना कितनी जल्दी बस पोर्ट पहुंचे। प्रॉब्लम इतनी आई है ना आपको पूरी तो स्टोरी क्या ही बताऊं, बट एंड में जाके ये हो रहा था कि जो वेयर हाउस रिसिप्ट थी ना, वो एक कस्टम ऑफिसर है वहां पर तेहरान में, वहां पे उनको अप्रूवल देना था, जो वो दे नहीं रहे थे काफी टाइम से, उसके पीछे रीजंस थे, सो वो बात नहीं करना चाहता मैं, बट एंड में जाके उन्होंने फाइनली अप्रूवल दिया। बट दिक्कत क्या हो रही थी, पिछले 3-4 घंटे से वो वेयर हाउस की रिसिप्ट ऑनलाइन इनके शिपिंग वालों के सॉफ्टवेयर में शो ही नहीं हो रही थी। अब शो नहीं होगी तो भैया फिर प्रिंट भी नहीं निकाल पाएंगे, तो अब जाके 5 मिनट पहले शो हुई है, इन्होंने फटाफट प्रिंट दिया और हम निकल लिए हैं। अब तो ये पूरी कहानी मैंने शॉर्ट में समझा दी, पूरा समझाने की हिम्मत भी नहीं है, और आपको कर लेना भी क्या समझ के, मेन है गाड़ी मिलनी चाहिए बस। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी ईरान शिप मत करना गाड़ी, हमेशा शारजा करना, शारजा से फेरी पकड़ के ईरान आ जाना, फेरी में ही गाड़ी आ जाती है। ईरान आओगे तो बहुत बुरा फंसोगे, बहुत लोगों ने बोला है, 1 ने नहीं 2 ने नहीं 10 लोगों ने बोला है ईरान गलती करती शिपिंग करके। वैसे ईरान एज अ कंट्री बहुत अच्छी है, लोग यहाँ के बहुत हेल्पफुल है, जितने भी हमने वहाँ कस्टम ऑफिसर मिले हैं, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में मिले, उन्होंने बहुत हेल्प करी है, बट गाड़ी शिपिंग के लिए भाई अच्छी कंट्री नहीं है ये, क्योंकि ये ना क्या बोलूँ, छोड़ो अब खत्म करो इस बात को, बस सीधा शारजा जाना, वहाँ से आना अगर करना चाहते हो ये दिल्ली टू लंदन, वरना चाइना वाला रूट खुलेगा तो चाइना से चले जाना। हम
हो गई, बंद है सब कुछ। लगा ही था वैसे तो, खैर क्या ही करे, अब चलो दो दिन पड़े रहो और क्या है। 20 किलोमीटर दूर आना वेस्ट गया भाई। पेट अब गुड़ गुड़ करने लग गया, कुछ खाना है भाई जल्दी जाके, वरना बेहोश बेहोश हो सकते हैं यहाँ पे सुबह से। सही में बहुत टेढ़ी चीज है ईरान में शिपिंग करवा के छुड़वाना। कह देते एजेंट को भाई होटल ही छोड़ दो, हमें खाना पीना तो कुछ खाए वहाँ पे जाके। ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है, 6:30 बज गए शाम के, और अभी अभी हमें पता चला कि तेहरान में तो डोमिनोज है ही, बट बंदराबाद में भी डोमिनोज है, तो हम वहीं पे ही जा रहे हैं, क्योंकि वेजिटेरियन पिज्जा भी मिल जाएगा और नॉन वेज भी मिल जाएगा, दोनों ऑप्शन है। जहाँ पे शिपिंग वालों का ऑफिस है ना, उसी के पास है डोमिनोज। यहाँ पे भाई रियल वाला डोमिनोज नहीं है, डोमिनोज के जैसे ही रेस्टोरेंट्स है, क्योंकि वही होगा ना, US का ब्रांड है डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स वगैरह, तो ऑफिशियली वो खोल नहीं सकते, US ने सैंक्शन लगा रखे काफी। कोई नहीं, खाने को मिल जाए वही बहुत है। लो भाई पिज्जा तो आ गया, बट बड़ा अजीब सा लग रहा है, हरा हरा सा क्या डाला हुआ समझ नहीं आ रहा। ये तो चलो चीज होगी, और ये इसका वेजिटेरियन है आलू, आलू पिज्जा खा रहा है। भाई साहब और ये साथ में कुछ तो दिया क्रीम सी पिज्जा, तो भाई ओके ओके है, बट ये जो साथ में मिली है ना, ये बड़ी टेस्टी सी है, तो इसके साथ खाने में मजा आ रहा है। ये जगह ना यहाँ की फैंसी रेस्टोरेंट में से एक लग रही है, मतलब देख रहे हो इंटीरियर वगैरह भी, लाइट देखो कैसे मस्त बना रखी है, एंड जो सर्व कर रहे हैं ना उसी हिसाब से मतलब लग रहा है थोड़ा वो लग्जरी वाला। बिल देखेंगे कितने का आएगा ये पिज्जा जो है, 3 पिज्जा और 3 कोल्ड ड्रिंक। होपफुली महंगा तो नहीं होगा, क्यों सही बात है, ईरान में नहीं महंगा होगा खाना, इतना महंगा नहीं है। 750 तो मान का बिल आया, यानी कि इंडिया के 1300 रुपए, तो ठीक है। हाँ खाया नहीं इतना, वैसे पेट तो भरी गया, पर फिर भी सही है यार। वैसे 1200 रुपए में 3 पिज्जा आ गए ऐसी फैंसी सी जगह में, और कोल्ड ड्रिंक भी आ गई थी। बाकी लेट्स गो भाई। ये देखो भाई यहाँ पे तो दारू वारू मिलती नहीं है, इसलिए ये पौवा चलता है, मतलब बेसिकली इंडिया में जैसे रेड बुल है ना वैसी यहाँ की ये एनर्जी ड्रिंक है, इसमें काफी चीजें लिखी हुई है, मल्टीविटामिन कैफीन। तो हम जब अभी गए थे ना गाड़ी छुड़वाने के लिए, वहां पर उन्होंने हमें दी थी, मतलब खातिरदारी पूरी करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, मुझे दी थी, खातिरदारी बहुत करते हैं यहाँ पे लोग, ये तो है। नेक्स्ट मॉर्निंग, आज नेक्स्ट डे है भाई, यानी कि 4 तारीख और संडे का दिन। वैसे तो पोर्ट बंद होता है, बट हमारे एजेंट ने कहा स्टिल हम चलते, क्या पता कोई मिल जाए, तो जस्ट बस चांस ले रहे हैं, अगर कुछ भी होता तो वहीं जाके बताऊंगा, वरना सीदा कल मिलूंगा। ओके हाय गुड मॉर्निंग, उस दिन एज यूजुअल सब कुछ बंद था, बट आज फाइनली आ गए हैं भाई, यानी कि 6 जून को यहाँ पे ट्यूसडे हो रहा है, आज ट्यूसडे है, लास्ट 2 दिन बंद था तो होटल में ही पड़े हुए थे। एंड आज हमारे एजेंट नहीं आए, उन्होंने किसी दूसरे एजेंट को भेजा है, आएंगे हमारे एजेंट, बट वो आएंगे भाई लगभग 11-12 बजे के आसपास, उससे पहले हम कोशिश करेंगे आधे से ज्यादा प्रोसेस करके रखे। ये वो हॉल है भाई, खुला हुआ है, मजा सा आ गया, उस दिन खाली खाली देख के अच्छा ही लग रहा था। चलो भाई जो वेयर हाउस रिसिप्ट थी वो दिखा के उन्होंने अंदर इनवॉइस दे दिया, और इनवॉइस से हमने पेमेंट कर दी। अभी यहाँ पे फोटोकॉपी की दुकान है, कुछ डॉक्यूमेंट कॉपी करवाने हैं। एंड भाई जो पेमेंट है ना वो भी इन्होंने यहाँ के लोकल कार्ड से ही लिया, मतलब ये कैश एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ना डॉलर में ना रियाल में, नहीं है वो मैं बताता हूँ अभी उन्होंने, क्योंकि हमारे एजेंट ने अपने कार्ड से करी है, फिर हमें पता चलेगा जब आपको बताएंगे ना। 1 आवर लेटर। चलो जी सारा कुछ काम यहाँ का हो गया है, CFS का पेमेंट वगैरह, स्टैम्प साइन सब कुछ। अब हम जा रहे हैं वापस से कंटेनर के पास गाड़ी निकालने के लिए। ये आपने देखा ही होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा एरिया दिखाया था, और शायद से अपना कंटेनर ना वहीं पे ही पड़ा हुआ जहाँ पे पिछली बार रखा था, क्योंकि अभी ना वो कंटेनर उठा नहीं सकते थे, गाड़ी में से वो सारी बेल्ट वेल्ट उतार दी थी ना, तो अगर कंटेनर उठाते तो गाड़ी भी हिलती अंदर, इसलिए कंटेनर वहीं होना चाहिए, उम्मीद तो यही है। बाकी लेट्स सी चल के ही पता चलेगा। जिस कंपनी का ये वाला कंटेनर है अपना भी सेम टू सेम ही, और साइज भी सेम है, कलर भी सेम है बिल्कुल, बट ये वाला अपना नहीं है। ये वाले जो एजेंट है ना हमारे, इनको इंग्लिश नहीं आती, हमारे दूसरे वाले एजेंट को अच्छे से आती थी बिल्कुल। लेट्स गो भाई, कहाँ है अपना कंटेनर। और हम यहाँ पोर्ट पे 8 बजे पहुंच चुके थे और अभी 11 बज गए, यानी कि लगभग 3 घंटे लग गए पूरा पेमेंट वेमेंट करने में सब कुछ। अभी भी एक प्रोसीजर और रह गया, वो है भाई गेट पास का, क्योंकि जब तक एग्जिट नहीं होगी तब तक गाड़ी हमारी नहीं है, तो उसके लिए गेट पास बनवाना पड़ता है, जो बिल्कुल एंड में जाके बनेगा, वो मैं दिखाऊंगा आपको। भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, हालत ख़राब हो गई। उस दिन भी यहाँ पे हम 2-3 घंटे खड़े रहे थे कंटेनर को खोलने में, चेक करवाने में, हालत ख़राब हो गई थी। बट आज वो सब कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कस्टम क्लियरेंस उसी दिन हो गई है, कारनेट पे स्टैम्प भी लग गया है, आज तो बस गाड़ी निकालनी है और ले जानी है। बट कंटेनर चला कहाँ गया भाई, इतनी दूर तो नहीं था यार, वहीं कहीं था शायद, मुझे लग रहा है उधर कहीं था, पर माँ है नहीं, ऐसा तो नहीं सही में हिला दिया, लग रहा है मुझे भी हिलाया है, पर हिलाया क्यों भाई उन्होंने, जबकि गाड़ी तो बंदी भी नहीं हुई थी, ऐसे तो गाड़ी की दिक्कत हुई होगी। ये देखो लगेज वगैरह आए हुए यहाँ पे काफी, तो भाई यही है, अभी हम यहीं से निकले थे बताओ, और देखा नहीं, अभी ये नंबर लिखा वो मिला ना 269057, तो मैंने वीडियो भी देखी, इसमें भी देखो ये लिखा 269057, तो सड़ाई तो हुआ ये भी। और इन्होंने वापस से सील लगा दी, उस दिन सील खोली थी लेकिन फिर लगी हुई है। भाई साहब आए तैड़ पैड़ करके सील तोड़ भी गए। लो भाई कंटेनर अब खुलेगा, लो भाई गाड़ी के अंदर आ गए हैं। चलो जी स्टार्ट कर लेते एक बार फिर से, लेट्स गो भाई लोग,
निकाले अपनी गड्डी नू ईरान की सड़कों पे, फाइनली बल्ले बल्ले लेट्स गो। होए 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 होए। खड़ी कर दो, शायद से फिर से चेकिंग करेंगे, लेट्स सी क्या होता है। बाहर तो आ गई है बट ज्यादा देर लगेगी नहीं शायद। तो भाई चप्पल भी डिक्की में रख दी, बहुत ज्यादा गर्म होगा बाहर। नहीं यार मैं नहीं निकल सकता, पहले चप्पल लेता हूँ फिर। और ये मैंने बैग रख दिया अपना, और ये हम दो सूटकेस जो खाली लाए थे इंडिया से। सही में भाई बहुत ज्यादा गर्म है, शरीर तप रहा है मेरा, इतनी ज्यादा गर्मी है। बट लो जी लो बाहर आ गई गड्डी, ये रही। ओए होए होए होए, बिल्कुल सही है भाई, कहीं भी स्क्रैच नहीं आई, कहीं भी कुछ नहीं हुआ, कंटेनर के अंदर बिल्कुल साफ सुथरी, सेफ। साफ तो नहीं कह सकते, मिट्टी काफी है, बट सेफ आ गई है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स गो भाई। लोग थंबनेल हमने सब ले लिए, और मेरा माइक टूट गया यहाँ पे, बताओ। नया माइक था, आगे की पिन नहीं गई, अब इसका कनेक्टर पता नहीं कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं। कोई नहीं, गाड़ी मिल गई उसकी ज्यादा खुशी है, तो लेके चलते हैं यहाँ से। अभी उधर कहीं जाना है हमें, तो अंदर तो ज्यादा शूट करने नहीं देते, मतलब बोलते रहते बार बार, तो सीधा एक बार बाहर निकल जाए तभी मिलते। वो कह रहा है वो स्ट्रेट हम राइट जाएंगे ना, मतलब तो हमारा अलग गेट है, उनका अलग गेट है, पर कार्नेट तो दो गेट पास। कार्नेट ओके ओके, शायद यहाँ पे बैरिकेटिंग है कुछ, तो हम लोगों की गाड़ी सामने जाएगी। इन वाले एजेंट की गाड़ी तो मस्त है भाई, सब अंदर से भी सही सी थी बड़ी, और उनकी काफी पुराने टाइप की थी। यहाँ पे भाई येलो लाइट आ रही है, और ये टायर प्रेशर की ही है, तीन टायर में हवा कम है, तो मेरे पास है वो हवा भरने वाला, उसी से भर लेंगे अभी फिलहाल, फॉर्मेलिटी पूरी कर ले पहले। ये है वो ऑफिस जहाँ से हमारा गेट पास बनेगा, एंड वो हमारे एजेंट जा रहे, हमें जाने की जरूरत नहीं, हम अंदर ही बैठे रहेंगे, वो खुद जाके ले आएंगे। फिर अब लास्ट एग्जिट है, यहाँ से एक बार एग्जिट हो गई, उसके बाद हम जा सकते हैं। और एक ना यहाँ पे डीजल का भी सर्टिफिकेट बनता है, क्योंकि पेट्रोल पंप जो होते हैं ना, वो ना ऐसे मतलब फॉरेनर्स को या लोगों को बिना उस सर्टिफिकेट के डीजल देती नहीं है, जहां तक मैंने सुना है। अब ये कंफर्म नहीं हुआ इस चीज में, बट हमारे एजेंट कह रहे थे कि मैं थोड़ा बहुत डीजल डलवा दूंगा, उसके बाद ना होता है क्या, जैसे आप पेट्रोल पंप पे रुके तो वहां पे कोई दूसरा लोग होंगे यहां के लोकल, तो वो अपने नाम पे खरीद लेंगे डीजल, और फिर आपको थोड़ा सा महंगा बेच देंगे। मान लो यहां पर अगर 20-25 रुपए लीटर हुआ, तो वो हमें 30 रुपए लीटर दे देंगे, उनका प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो कह रहे ऐसा भी बिजनेस चलता है यहां पे, तो वो ऑप्शन रहेगा, तो सर्टिफिकेट ना बनवाओ। बाकी फिर भी हम एक बार देखते हैं, पता करते हैं एक दो जगह से, या गूगल गूगल पे सर्च करते हैं, अगर जरूरी होगा सर्टिफिकेट फ्यूल के लिए तो ले ही लेंगे, क्यों फालतू में पंगों में पड़ना। और इंश्योरेंस हमारे एजेंट आज लाई देंगे शाम को हमारे इस गाड़ी का, तो वो भी बढ़िया हो जाएगा। क्या क्या कवर है वो सब मैं बता दूंगा। फिलहाल के लिए डीजल इतना तो है भाई कि आराम से 70-80 किलोमीटर चल लेगी गाड़ी, तो दिक्कत नहीं। मेरे को भाई अंदर बुलाया पासपोर्ट लेके, तो वही वीजा चेक होंगे, पांडे को नहीं बुलाया। वही है भाई, गाड़ी ना जिसकी भी है प्लीज उस बंदे को लेकर आना, या अपने नाम वाली गाड़ी लाना, वरना बहुत बुरा फंसोगे ईरान जैसे देशों में। मतलब गाड़ी आपके नाम नहीं है और वो बंदा भी नहीं है, तो समझ लो लग गए आपके। अब मेरी स्कॉर्पियो मेरे नाम पे है कम से कम, कहीं भी रोकेंगे कहीं भी चेकिंग होगी तो दिक्कत नहीं है फिर। तो अभी भाई एक ऑफिसर आ रहे हैं, उनको सीरियल नंबर कह रहा हूँ, इंजन नंबर और विन नंबर चेक करवाना है। मस्त लग रहा है, देख रहे हो ईरान की सड़कों पे नमस्ते लंदन लिखा हुआ, हालांकि इनको किसी को समझ नहीं आएगा लिखा क्या है ये, क्योंकि इंग्लिश की भी प्रॉब्लम है, ऊपर से नमस्ते तो प्रॉपर हिंदी में ही लिखा हुआ है, तो क्या पता। चलो भाई चेकिंग हो गई है। यहाँ पे एक प्लेट सी लगी होती है, उसमें इंजन नंबर, चेसी नंबर और मॉडल गाड़ी का वो लिखा होता है, तो उन्होंने ये तीनों चीजें कार्नेट से मैच कर ली, और उसके बाद हमारे एजेंट अंदर गए हैं। बस अब गेट पास मिलेगा और हम कट लेंगे बल्ले बल्ले। पूरे गत्ता यार यहाँ पे आके फिर खुल गए, देखो लूज है यार, टिक्रीनी का पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, ऐसी डैम्पिंग की वजह से हुआ है या लाइटों की वजह से हुआ है समझ नहीं आ रहा, पर 5-6 बार कसवा लिया, सही नहीं हो गया जरा। इतनी ज्यादा गर्मी है, बाहर का टेम्परेचर देखो 45 डिग्री हो रखा है भाई साहब। और अभी इसमें जो टाइम दिखा रहा है ना, 1:48, ये इंडिया का टाइम है, यहाँ पर तो अभी 11:48 हुआ, 2 घंटे का फर्क है पूरा। तो ये चीज सेटिंग में जाके चेंज हो जाती है। अभी अगर इसमें सिम एक्टिवेट होती ना, यहाँ पे भी GPS चल रहा होता, तो ये ऑटोमेटिक टाइम जोन ले लेता, बट हमें अभी टाइम जोन सेट करना पड़ेगा। क्या +3 है +2 यूरोपियन टाइम है ये, तो कन्फर्म बताओ। लो भाई हो गया है टाइम सेट 11:54 ईरान के टाइम के हिसाब से। जिस कंट्री में हम एंटर करेंगे वहां का टाइम जोन लगाना पड़ेगा या टाइम सेट करना पड़ेगा, ताकि कुछ भी भूले का ना हो इसको देख के। ज्यादा टाइम हम गाड़ी में रहने वाले हैं ना ट्रैवलिंग करते टाइम, तो नजर यहीं जाएगी बार बार देखने के लिए टाइम, और फिर उल्टा उल्टा हो जाएगा, 2-3 घंटे का फर्क आ गया। तो यहां का काम पता नहीं हुआ या नहीं हुआ ये समझा नहीं पा रहे हमें, तो अभी हम गाड़ी को फिलहाल छोड़ के सामने एक कॉफी शॉप है वहां जा रहे, क्योंकि हमारे दूसरे वाले एजेंट आने वाले हैं। गाड़ी कर देते भाई लोग, अरे ये नहीं हुए, अब होंगे, लेट्स गो।
चलो जी अपने देश का तिरंगा। खाया भी नहीं सुबह से कुछ, मतलब पिछले 7-8 दिन से यही चल रहा है भाई। सुबह 7-7:30 बजे निकलते हैं और शाम को 4-5 बजे आते हैं बिना खाए पिए। आज से ये सीन खत्म, एक बार अब गाड़ी मिल गई है तो टेंशन नहीं। ये है यहाँ की कॉफी शॉप, काफी सारी चीजें मिल रही है एंड ये देखो ड्रिंक्स वगैरह भी है। और ये एसी मस्त है भाई, चिल्ड चिल्ड कर देते हैं, ग्री के चलते हैं एसी। अभी हमने ये लिया, मैंने तो ये वाली ऑरेंज जूस है ये, और अंदर इसमें देखो दाने दाने हैं, तो ट्राई करते कैसे। बाकी ये ट्रांसलेट करके बता, पूछ रहा है कि वेजिटेरियन कुछ मिलेगा या नहीं, क्योंकि वहाँ पे बना तो बहुत कुछ हुआ है बट वो ये है आधी से ज्यादा चीजें नॉन वेज है, बाकी देखते हैं। लेट्स सी, नहीं है कुछ भी नहीं है। चलो ये 3 ले लो। ईरान में जितने भी पब्लिक प्लेसेस है ना भाई साहब, हर जगह पे टॉयलेट ना इंडियन वाले ही है, कहीं पे भी वेस्टर्न सीट है ही नहीं, चाहे वो ढाबे हो, पेट्रोल पंप हो। हाँ, बड़े बड़े जो अच्छे रेस्टोरेंट है वहाँ पर आपको मिल जाएंगी वेस्टर्न सीट, जैसे की लास्ट ब्लॉग में आपने देखा, नहीं लास्ट इसी ब्लॉग में आपने देखा होगा, पिज्जा खाने गए थे ना, तो वहाँ पे वेस्टर्न सीट थी। ये जो ढाबा था यहाँ से मैंने चावल लिया है, यहाँ पे वो है नॉर्मल वाली इंडियन सीट, मतलब बने तो 5-6 वॉशरूम और साफ सुथरे भी है हिंदी वाली सीट थी। तो इस वाली कॉफी शॉप में खाना तो था नहीं, मैं दूसरी जगह से लाया हूँ, वहाँ पे बैठ के बदबू आ रही थी तो मैंने सोचा ये पैक करवा के यही खा लूंगा। ये तो इन्होंने सूखे ही चावल दे दिए, कुछ है ही नहीं इसमें, तो ग्रेवी वेवी खाऊंगा कैसे। ये दे दिया पता नहीं क्या है, मार्गरीन, बटर है भाई, बटर, बटर के साथ चावल कौन खाएगा। है तो भाई टेस्टी चावल पर प्लेन अच्छे नहीं लगेंगे। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, अभी तक हमें गेट पास नहीं मिला और हम अंदर ही वेट कर रहे थे, तो सोचा गाड़ी में आ जाते हैं, क्योंकि अंदर ना नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो बाहर थोड़ा बहुत आ रहा है बट इतना भी नहीं आ रहा। बट ये है कि यहाँ पे गद्दा लगा हुआ है मस्त अपना, होए तो आराम से लेट सकता हूँ एसी चला के, और डीजल भी कम है तो जल्दी जल्दी काम हो जाए तो बेटर है। हमारे दूसरे वाले एजेंट आ चुके हैं, वो कह रहे हैं 25-30 मिनट लगेंगे, अब लेट्स सी कितनी देर लगती है। निकले यार जल्दी जल्दी, शिपिंग कंपनी भी जाना है, उनसे रिफंड लाना है ना अपना $370 या $380 कुछ था। और जब से कंटेनर से निकाली है पता नहीं सनरूफ में ऊपर क्या लगा हुआ है, काई है, पोटी कर रखी है कबूतरों ने, समझ नहीं आ रहा, तो सफाई करवानी पड़ेगी। यहाँ के लोग तो गाड़ियों के शीशे भी नहीं साफ करते, मिट्टी में ही चलाते रहते गाड़ियाँ। एक तो है भी पुराने जमाने की बहुत ज्यादा गाड़ियाँ, ऊपर से साफ नहीं करते, बट हम धुलवाएंगे, होपफुली कोई हो वॉशिंग की दुकान। लेटर दैट सेम इवनिंग, शाम के भाई 5 बजने वाले है, सुबह 11 बजे से वेट कर रहे हैं हम गाड़ी में ही, और अभी तक एग्जिट का काम नहीं हुआ। असल में प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं ना, इन्होंने पिछले 1-1.5 साल से कोई टूरिस्ट देखा ही नहीं है गाड़ी के साथ, की वजह से इनको प्रोसीजर ही नहीं पता कि कार नेट पे कैसे एग्जिट देनी है, क्या देनी है। तो हमारे एजेंट लगे पड़े हैं भाई, कभी बॉस के पास जा रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं। अब हम उनको फोन कर रहे थे तो कह रहे एक बार आ जाओ अंदर, लेट्स सी अंदर जाके क्या होता है। मतलब सारा प्रोसेस 11 बजे खत्म हो गया था और 5 बज गए, देखो 6 घंटे से हम वेट कर रहे हैं खाली एग्जिट के लिए। 1 hour later. चलो जी फाइनली 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 इंडिया है। फाइनली सारा काम हो गया है, प्रॉब्लम नहीं हो गया, वो तो एग्जिट ही मार दिया। मेन जिनके साइन चाहिए थे, स्टैम्प चाहिए थे, वो हो गया। ये चलो जी चलो लेट्स गो। ये अलग ही खुशी हो रही है, मजेदार, सुबह से वेट करना हो गया। वही प्रॉब्लम है भाई, यहाँ पे ना प्रोसेस पता ही नहीं लोगों को। लोग सारे अच्छे, जितने भी ऑफिसर से हम मिले, जितने भी यहाँ पे लोग काम करते हैं, कस्टम में हो गए चाहे वो अपना वेयर हाउस वाले हो गए, सब एकदम बढ़िया, सब हेल्प करने के लिए रेडी। बट दिक्कत क्या है, किसी को पता ही नहीं करना क्या है, और इसी चक्कर में ना सब लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं, क्योंकि किसी को तो स्टेप लेना पड़ेगा, है ना। अब उनको जब प्रोसेस पता नहीं तो वो डरते हैं इस चीज से कि हम पता नहीं कुछ इलीगली इम्पोर्ट तो नहीं कर रहे, पता नहीं एग्जिट करेंगे भी या नहीं करेंगे, तो वो सीन था। ये जो एग्जिट ऑफिस है ना, इनके जो मेन बॉस थे भाई, वो काफी अच्छे निकले, उनको हमने 1-1.5 घंटा समझाया, हमने मतलब हमारे एजेंट ने, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी, पूरी सिचुएशन अच्छे से उन्हें समझ भी आ गई। एंड में उन्होंने एक साइन करा, उनके साइन से ही सब कुछ हो गया, सीधा हमें अब एग्जिट मिल जाएगी उनके एक साइन से। मतलब देख रहे हो कुछ साइनों में कितनी पावर होती है, तो हम भाई अच्छे से थैंक यू बोल के आए हैं, बट उन्होंने सिर्फ 10 दिन के लिए ही करके दिया साइन, हमें तो वैसे 8-9 दिन ही चाहिए, 10 दिन में तो हम आराम से एग्जिट कर जाएंगे ईरान। उनको भी देखो अपना थोड़ा सा भाई जॉब का होता है कि अगर कुछ गलत हमने कर दिया तो उनकी जॉब पे बात आ सकती है, इसलिए सिर्फ 10 दिन के लिए दिया कि 10 दिन में एग्जिट करना ही करना है। एंड हमारे एजेंट का नंबर वंबर उन्होंने सब ले लिया कि जब हम एग्जिट करेंगे तो एजेंट को हमें स्टैंप भी भेजना है कि हम तुर्की एंटर कर चुके हैं, फिर ये इनको दिखाएगा और फिर हमारे एजेंट की थोड़ी जान छूट जाएगी। तो मेहनत तो करवाई है भैया ने, हमारे पैसे थोड़े ज़्यादा लिए हैं, वो टोटल बताऊंगा, बट स्टिल वर्थ इट रहा सब कुछ। ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा भाई ईरान का पूरा, मतलब सोचो हम दुबई में शारजा में करवाते, कितना इजी प्रोसेस था वहाँ पे अपना छुड़वा के और फेरी से आ जाओ, यहाँ पे तो बैंड बज गई, ठीक है लाइफ टाइम याद रहेगी चीजें। और अब जा रहे हैं भाई लेके अपनी स्कॉर्पियो एन को यहाँ से बाहर, तो लेट्स गो भाई लोग। गुड लाइक लैंड क्रूजर, देख रहे हो, भैया ने कह दिया अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन लैंड क्रूजर से भी बढ़िया है भाई साहब। यस यस,
Perfect. Let's go. The part of paradise. Nice. This is Delhi to Mumbai, then Iran, Turkey. Jealous of you, man. Europe. Jealous of you. Chalo ji. Love it. I told you before, right? चलो जी चलो शिपिंग ऑफिस जाना है, पैसे मिल जाए आज किसी भी तरह। वैसे बंद हो गया होगा शिपिंग ऑफिस, बट स्टिल एक बार ट्राई कर लेंगे क्या जा रहा है। वरना तो आज रात बंदर आबाद रुक नहीं है, कल सुबह सुबह शिपिंग वालों से रिफंड लेके अपना और फिर निकलेंगे आगे शिराज के लिए। इतनी देर से एसी चला के गाड़ी में बैठे हुए थे, पूरा का पूरा डीजल भी खत्म हो गया, अब डीजल भरवाने जाना पड़ेगा। पहले तो शिपिंग कंपनी मुश्किल ही लग रहा है भाई। चलो जी चलो, फाइनल एग्जिट कर दिए ये यहाँ का एग्जिट गेट, या फिर टोल जो भी कह सकते हो। पैसे नहीं देने थे टोल पर, एग्जिट गेट है। अब इसके बाद हम ईरान में कहीं भी घूम सकते हैं अपने कारनेट की मदद से, लेकिन सिर्फ 10 दिनों के लिए। 10 दिन बाद हमें एग्जिट मारना पड़ेगा, वरना थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। एक चीज और भाई, जो भी गाड़ी चलाए करेगा, ये हमने फोन होल्डर ले ही रखा है, तो वो वाला इंडिया वाला सिस्टम नहीं करना कि चलाते चलाते एक हाथ में फोन और एक हाथ से गाड़ी चला रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर ध्यान देना है, क्योंकि सब कुछ रूल्स उल्टे हैं। हम इंडिया में उस वाली रोड पे ऐसे जाते हैं, बट यहाँ पर भाई इस वाली कि राइट वाली रोड पे ऐसे जाना है। यहाँ की गाड़ियां लेफ्ट स्टेयरिंग व्हील होती है, हमारी गाड़ी राइट स्टेयरिंग व्हील है। इंडिया में हम राइट से ओवरटेक करते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पे लेफ्ट से ओवरटेक करना होता है। पूरे के पूरे भाई प्रोसेस उल्टे ही है, इसलिए रोड पे प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। मतलब खाली चलाते चलाते ब्लॉगिंग नहीं करनी शुरू के 2-3 दिन, क्योंकि अगर हम ब्लॉग में ही लगे रहेंगे तो फिर वो रूल्स ब्रेक होंगे, पक्की बात है, और उससे एक्सीडेंट का भी खतरा बढ़ सकता है। तो सेफ्टी के चक्कर में थोड़े दिन मैनेज करना पड़ेगा, उसके बाद हमें आदत हो जाएगी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल वो एक हाथ से पकड़ के नहीं होगा, यहाँ पर अपना फोन लगा देंगे, मस्त रिकॉर्डिंग होती रहेगी। मैंने सोचा था मेरा माइक होता तो अच्छे से ऑडियो आ जाती, अब माइक भी टूट गया, तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा टर्की जाके। ईरान में तो चांस ही नहीं है कि डीजे आएगा, कोई स्टोर मिल जाए। बाकी लेट्स गो भाई, करवाते हैं। खाना भी खाना है, गाड़ी को भी खिलाना है, हमें भी खाना है, बहुत भूख लग रही है सुबह से। एजेंट बता के गए, ये जो छोटे मोटे दुकानें है ना रिपेयरिंग की, इनसे पूछ लो, डीजल बोतल में रख के बेचते हैं ये, अगर ये नहीं देते फिर पेट्रोल पंप चले जाना, वो दे देंगे। तो अभी इनसे बस चैलेंज यही है कि पेट्रोल और डीजल में समझाएंगे कैसे। मेरे हिसाब से मिल तो जाना चाहिए इनके पास, नहीं ये तो सुपर मार्केट है। भाई साहब क्या लग रही है यार गाड़ी अपनी, देखना ह्यूज एकदम, मतलब ऐसे पुराने जमाने की गाड़ियों के बीच में अपनी तगड़ी गाड़ी। यहाँ पे तो मिला नहीं भाई, जस्ट ऑपोजिट रोड पे ही है वैसे तो एक पेट्रोल पंप, बस वहाँ डीजल मिल जाए के लिए 1 किलोमीटर आगे से यू टर्न मारना पड़ेगा। चलते हैं। पहुंच गया भाई, गाड़ी लगा दिया मैंने फिलहाल साइड में, क्योंकि पहले जाके पता करना पड़ेगा डीजल को कहते क्या है यहाँ पे और क्या सीन है, देंगे या नहीं देंगे। वरना वहाँ ट्रैफिक लगाने का फायदा नहीं था ना गाड़ी बीच में खड़ी करके, एक बार पता चल जाएगा फिर चलते हैं। तो यहाँ भी वो साइन बोर्ड लगे हुए हैं फोन ना यूज करने के, जबकि पेटीएम के कोड वोड इंडिया में भी हर जगह लगे रहते हैं, बट फिर भी कहते हैं फोन यूज मत करो, अलग ही सीन है भाई ये तो। तो यहाँ पे ना पेट्रोल स्टेशन अलग होता है, एंड ये देखो जहाँ ट्रक खड़े ना इतने सारे, ये है डीजल का स्टेशन, बट यहाँ पे डीजल खत्म हो चुका है, वो कह रहे सिर्फ 5 बजे तक ही होता है, उसके बाद खल्लास। तो अभी हमें एक वो ट्रक वाले भाई मिले हैं, वो हेल्प कर रहे हैं हमारी। मेरे को ऊपर से ये जेरी कैन उतारना पड़ेगा, इसमें वो भर के दे देंगे, फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी अपनी, क्योंकि भाई बंद नहीं पड़नी चाहिए ना गाड़ी, ऐसे अनजान देश में पहले दिन ही गाड़ी बंद हो गई तो सीन हो जाएगा। तो ये खोल लेते हैं ऐसे और ये निकल जाएगा फिर, ये पता नहीं कितने का देंगे, बट जो भी है भाई दे दे बस, वही बहुत है। ये वाला ना बिमरा का लॉक सेट अच्छा है, नॉर्मली खुल जाता, वरना वो चाबी वाले में ना बड़े लफड़े होते थे, चाबी लगाओ खोलो। बस ये हो गया, ऊपर से स्टैंड हटाओ ऐसे, एंड ये जो है निकल जाएगा मस्त। अब इसमें 20 लीटर आ जाएगा अपना डीजल। तो एक काम करूंगा, पहले 20 लीटर भरवा के टंकी भर लूंगा, फिर इसमें 20 लीटर और डाल लूंगा, अगर उन्होंने दे दिया तो। नहीं दिया तो भाई कोई गल नहीं, और कितने का देंगे ये भी नहीं पता अभी। यहाँ पे सही है, ये पहचान हो जाएगी कि जिस भी स्टेशन पे कोई भी ट्रक खड़ा है ना, तो मतलब वहाँ पे डीजल भरता है, जहाँ पे नॉर्मल गाड़ी है वो मतलब पेट्रोल का स्टेशन है। कल दिन में ही हम भरवा लेंगे, वरना 5 बजे तक कहीं फिर ना मिले कल। आज ये 20-30 लीटर से काम चली जाएगा अपना, मेरे ख्याल 10 की भी एवरेज दे दी तो 200 किलोमीटर तो निकाल ही देगी। हालांकि डीजल यहाँ पे बहुत सस्ता है, कितने का है वो पता चल देगा। उनके पास पाइप नहीं है डालने के लिए, बट हम भाई इंडिया से सारा जुगाड़ लेकर आए हैं, ये देखो। तो इसमें ये डीजल निकालने वाला पाइप है, पंप टाइप का आप कह सकते हो, मैनुअल। ये लग जाएगा ट्रक में और फिर कैन में भर जाएगा, देख रहे हो भाई, सारा जुगाड़ लेके चलता हूँ। किसी भी चीज में दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई रोड ट्रिप में, क्यों, सही कहा ना। लेट्स गो।
चलो भाई भरवा लिया है टोटल 20 लीटर इसमें, बट ना इसमें थोड़ी बहुत गंदगी आ गई है ट्रक के टैंक में से, तो वो गाड़ी में ना जाए उसमें। तो मैं एक वो लाया था फिल्टर भरने का, बट अब वो मिल नहीं रहा, पता नहीं क्या उसमें था कहाँ था। तो वो ये नीचे नीचे का थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, डाल रहे हो ऊपर ही है, फिर अब कचरा घुस गया दिक्कत हो जाएगी। सन्नी देख ना ढूंढ आगे तो नहीं रखी गई। 20 लीटर के ना टोटल हमसे 200 तो मान लिए, यानी कि इंडिया के 320 रुपए, तो 16 रुपए लीटर डीजल मिला हमें इंडियन करेंसी के हिसाब से। हालांकि अगर हम डायरेक्ट स्टेशन से लेंगे तो और भी सस्ता हो सकता है, हो सकता है 10-11 रुपए लीटर मिल जाए। देख रहे हो मतलब भाई साहब ईरान में कितना सस्ता फ्यूल है, पेट्रोल भी मस्त है यहाँ पे, मेरे ख्याल से 10 रुपए लीटर है, 7-8 या 10 रुपए, वो हम एग्जैक्ट रस्ते में बताएंगे जब कल शिराज के लिए निकलेंगे। अभी फिलहाल चलते हैं होटल और सारा पैकिंग करके सामान लगेज बढ़ते अपनी गाड़ी में। लेट्स गो भाई लोग। चलो भाई अपने होटल के वहाँ पे पहुँच गए, और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत लगा रहता है। अभी फिलहाल रात के 7:40 हो रहे हैं, और रेड लाइट वगैरह भी ना यहाँ पे आधी ज्यादा खराब ही पड़ी रहती है, कुछ कुछ ही चल रही होती है। बाकी जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनके लिए तो कुछ खास रूल्स हैं नहीं ईरान में, मतलब लोग ऐसे ही रोड क्रॉस कर लेते हैं, जबकि आपने दुबई में देखा होगा कितना मस्त सिस्टम था, गाड़ी वाले रोकते थे प्रॉपर एंड फिर जो है लोग जाते थे। यहाँ देखो ये गाड़ियों मतलब ट्रैफिक के बीच में से ही लोग घुसे जा रहे हैं। एंड ये रहा लेफ्ट में वो हिंदू टेंपल जो मैंने आपको दिखाया था एक वीडियो में, एंड रात को मस्त लाइटें जल गई है देखो, हुए हुए। पर ये यार ओपन नहीं है, बंद रहता है, वरना दर्शन कर लेते कल ट्रिप शुरू होने से पहले। लोगों के मस्त रिएक्शन आ रहे हैं, एक तो SUV है प्रॉपर ऊपर से ब्लैक कलर की मैट में, और ग्राफिक जो हुए पड़े हैं नंबर प्लेट अलग, तो 4-5 चीजों की वजह से ना लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, चाहे वो गाड़ी में बैठे हो बाइक पे जा रहे हो। ये है अपना होटल, और अच्छी बात है इसमें पार्किंग है, तो ये वाला गेट खुलवाना पड़ेगा ताकि गाड़ी सीधी सीधी अंदर घुस जाए। शायद से लोक है या नहीं है पता नहीं, देखता हूँ। लोक है भाई, तो फटाफट से स्टाफ को गेट खोल देंगे। एक्सक्यूज मी, पार्किंग, यस गेट, यस यस व्हीकल, यस। तो ये कह रहे हैं पार्किंग में लगाने के बाद गाड़ी की चाबी दे देना। ओपन दे देंगे भाई, अपने पास 2 चाबी है वैसे भी, बस याद से ले जानी है, कहीं पता चले यहीं पे भूल जाए। चलो जी लेट्स गो, आ गई है अपनी स्कॉर्पियो N भाई ईरान के होटल में। वाह, आज भाई जो वेयर हाउस की रिसिप्ट वगैरह पे करी है ना वो है ये 4,22,94,124 रियाल, और इसको अगर तुमान में कन्वर्ट करेंगे तो 4229 मतलब 4,229 तुमान, कोई इंडिया का 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो तो अराउंड 7,000 रुपए के आसपास हमने पे किया। तो आज अभी हम इनको टोटल भाई ये दे रहे हैं 86 हो गए जो इन्होंने फीस भरी अपने कार्ड से, $60 का इन्होंने हमें इंश्योरेंस दिया एंड $50 थे वो मैं बता नहीं सकता, तो टोटल ये $196 बन रहे हैं, ऊपर से टिप भी कह रहे हैं। लेट्स प्ले अ गेम, इफ यू लॉस्ट, इफ यू लूज, देन दिस इज फ्री फ्री। $200 दे दिया इनको, $4 टिप, $200 थैंक यू सो मच, डन, $4 टिप ओके थैंक यू। Thank you so much. Thank you. You're my brother forever. Yeah. Thank you. Welcome to our country. Yeah. Welcome. Next time you come to our country. Of course. I will visit your country. And then we will charge you $500. We'll also ask for 10. If I come to the bar, okay, no problem. Charge yes. You. I want you to use of your phone. Okay, okay. You can charge, you can no problem. Hello, bhai. Before that, I will ask which port I should come. Navasena. Navasena, yeah. Namaskar, Namo. Chalo, yaar, bag upar rakhe aur seedha khane ke liye jayenge ab kuch. Upar ja rahe the in bhai sahab ke. He's your brother or friend? It's like my brother. Okay. What's your name? My name is Kia. ओके तो भाई को जो है फोटो लेनी है साथ में, और गाड़ी पे चैनल का नाम देख के भाई ने सब्सक्राइब भी कर दिया, हालांकि समझ नहीं आएगा हिंदी में बनाते हम, बट स्टिल ठीक। सिटी सेंटर मॉल में जो कैफे है वहीं आ गए, और यहाँ आ गए अपने पिज्जा भाई साहब, इतनी भूख थी कि दोनों ने अलग अलग पिज्जा मंगवाए हैं, और ये फ्रेंच फ्राइज भी ले लिए थे जो काफी से ऐसे लूज लूज से है। शिपिंग वाले के ऑफिस आज जा नहीं पा रही रिफंड लेने के लिए क्योंकि काफी लेट हो गया था, तो कल सुबह सुबह ना 7:30-8 बजे के आसपास पहले वहां जाके रिफंड ले लेंगे, और फिर वहां से सीधा निकल जाएंगे शिराज। यहीं से भाई ये जेरी कैन ले रहे हैं फ्यूल, कभी किसी ट्रक वाले से लेना पड़ गया
या तो इसी में लिया करेंगे और इससे पलट दिया करेंगे। और जो हमारे पास जेरी कैन है ना उसमें भी 20 लीटर भरवा के रखेंगे, बट सिर्फ इमरजेंसी के लिए, रात को मान लो किसी ने नहीं दिया डीजल तो वो यूज करेंगे, वरना जो वैसे दिन में लेना है वो इसमें लेंगे। एक कोन और चाहिए, अब इनको समझाना पड़ेगा। लो भाई ये भी मिल गई कोन, इससे फ्यूल डालने में ना आसान रहेगा टैंक में। दोनों चीजें टोटल 95 तो मान यानी कि इंडिया के 160 रुपए के आसपास की आई है। ठीक है, ये चीजें तो सस्ती है, इतनी महंगाई नहीं है। हालांकि बंदराबाद वैसे महंगा है, तेहरान हम जाएंगे ना वो ज्यादा सस्ता है इससे। ये दो सूटकेस हम इंडिया से लाए थे खाली, जिसमें हम अपने गंदे कपड़े वगैरह रख लेंगे। तो अब ये ऊपर ले जाते हैं, सेट कर लेंगे और फिर सुबह सामान गाड़ी में डाल के। आज भाई अपनी बंदर आवास में आखिरी रात है, तो हमारी फेवरेट जूस वाली जो दुकान है यहाँ से मैंगो शेक पी लेते हैं। यहाँ पे भाई बिल्कुल ना प्योर आम का मैंगो शेक मिलता है, मतलब कोई भी दूध वूध नहीं डालते, प्लेन सिर्फ आम ही आम होता है। मजा आ जाता है, ये देखो सेकंड वाली मिक्सी है, साथ ही में भाई आइसक्रीम भी है तगड़ी तगड़ी, आपको पहले भी दिखाया था। यहाँ के लोग ना भाई करेंसी मतलब जो नोट्स है ना कैश वो यूज ही नहीं करते, हर छोटी से बड़ी दुकान में आपको इस तरह की एक मशीन मिल जाएगी जहाँ पे ये लोग ना अपना कार्ड टैप करते हैं, और इंटरनेशनल जो भी फॉरेनर्स है उनका कार्ड नहीं चलेगा, सिर्फ लोकल्स का चलेगा, तो इसलिए हमें तो कैश में ही डील करना पड़ता है, बाकी यहाँ के लोग टैप करते हैं मस्त और चले जाते हैं, क्योंकि इनकी करेंसी भाई साहब इतनी ऐसे लाखों करोड़ों रुपए में आती है तो समझना मुश्किल हो जाता है। वन वन मी वन यस, लो जी आ गया है मर्सी पैक, यस मजेदार, ठंडा ज्यादा हो गया। बाकी चलो यार इस वाले ब्लॉग के लिए इतने रखते हैं, अब आपको रोड ट्रिप के मजे बस देखने को मिलेंगे, तो बने रहना चैनल पे, मिलता हूँ जी बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना पीना, बाय।